जैन, तो आज हमारे साथ जो ये आप देख सकते हैं कि तीन स्टूडेंट हैं जिन्होंने इंडियन आर्मी के फिजिकल को, मतलब जो भी फिजिकल होता है जैसे आपका रनिंग हो गया, मेडिकल हो गया, उसको पास आउट कर लिए हैं, ठीक है। और हमारे यहाँ ये रिटेन के लिए आए हैं, ठीक है। तो आइए जानते हैं कि इनका नाम क्या है, किस डिस्ट्रिक्ट से ये बिलोंग करते हैं और क्या क्या प्रोसेस पार करके ये हमारे यहाँ आए हैं। अब इन लोगों का केवल रिटेल बाकी है, ठीक है। तो सबसे पहले जानते हैं इनसे, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम सर अमित कुमार है। अमित जी बताइए कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं भोजपुर जिला से बिलोंग करता हूँ सर। अच्छा, भोजपुर जिला से। तो आपका फिजिकल कब हुआ था, मेडिकल कब हुआ था, थोड़ा सा बताइए ताकि आने वाले जो भी स्टूडेंट हैं उनको मालूम चले कि क्या क्या प्रोसेस होता है, थोड़ा बहुत बता दीजिए। मेरा फिजिकल सर फरवरी माह के 17 तारीख को हुआ था। अच्छा अच्छा, मुजफ्फरपुर में। बहुत बढ़िया। और मेडिकल सर 22 तारीख को हुआ था। 22 तारीख, मतलब जीडी का दौड़ था। अच्छा अच्छा, मतलब 22 फरवरी 2021 को हुआ। यस सर। चलिए, तो मतलब आप ग्राउंड फिट थे, यही ना? ग्राउंड फिट थे। चलिए चलिए चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम सर विकास कुमार हुआ। विकास जी कहाँ, कौन से डिस्ट्रिक्ट से? जो मैं रोहतास डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, यहाँ के अंतर्गत। ओके ओके। जो मेरा फिजिकल कटिहार में 17 मार्च को हुआ था। अच्छा अच्छा। जो मेडिकल मेरा 10 जुलाई को हुआ, जिसमें मेरा री मेडिकल मिला था। अच्छा अच्छा। तो जो मैं री मेडिकल पास करके सर के पास हम इंग्लिश के लिए क्लास के लिए आए हैं। चलिए चलिए, भगवान करे आप सफल हो। अच्छा, मतलब क्या प्रॉब्लम हो गया था, थोड़ा सा बता दीजिए। मेडिकल में, मेरा मेडिकल में आँख में प्रॉब्लम दिया था, जो कन्वर्जेंस डिफेक्ट होता है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जिसमें मेरा री मेडिकल में फिट कर दिया गया। चलिए, तो मैं अब एक एग्जाम की तैयारी के लिए सर के पास आया। चलिए चलिए, गॉड ब्लेस यू, भगवान करे आप सफल हो। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम अमरज्योति कुमार है। अमर ज्योति जी, आप कहाँ से आए हैं? हम रोहतास जिला से बिलोंग करते हैं। अच्छा, आप भी रोहतास जिला से आए हैं। जी सर। आपका मतलब मेडिकल कब हुआ था, कब रनिंग, मतलब आपका फिजिकल कब हुआ था, थोड़ा सा फिजिकल? फिजिकल हुआ था मार्च, 17 मार्च को। जी। और मेडिकल तो ऐसे 10 तारीख को था। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेडिकल हुआ कलकत्ता में। अच्छा, आपको भी थोड़ा बहुत मतलब प्रॉब्लम था, यही ना? चेस्ट में दाग है, उसमें। अच्छा, अच्छा। मतलब अब फिर से आप, मतलब फिर री मेडिकल जब हुआ तो आपको पास कर दिया गया, यही ना? मेडिकल पास। अच्छा, रिटेन का कोई फिक्स डेट? रिटेन का तो अभी कोई फिक्स डेट नहीं है। फिक्स डेट नहीं, मतलब आई होप कि 2 या 4 महीने का अंदर हो सकता है। लगभग 2 महीने का। तो चलिए, मतलब ये तीनों लोग पास आउट हैं, मेडिकल पास आउट है, रनिंग पास आउट है, और ये रिटेन के लिए हमारे यहाँ आए हैं विक्रमगंज में। और भगवान करे कि ये तीनों लोग सफल हो। आप लोग भी दुआ करिएगा कि ये तीनों लोग सफल हो। हमारा इंटरव्यू लेने का जो मुख्य कारण है, जो मुख्य मैं इनसे जान पहचान करवाना चाहता था, ताकि आप लोग को भी मालूम चले, ठीक है, कि क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। अच्छा, एक बात और हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं कि थोड़ा सा प्रोसेस जो शुरू से होता है, जैसे रनिंग होता है, उसके बाद मेडिकल होता है, तो रनिंग में क्या क्या होता है, लगभग टाइमिंग क्या है, आप बताइए अमित जी। सर, रनिंग में टाइमिंग सर जो होता है 5.5 मिनट का होता है। मतलब 5.5 मिनट फिक्स होता है या उससे कम या ज्यादा भी हो सकता है? सर, वहाँ पर थोड़ा पता नहीं चलता, लेकिन फिक्स होता है सर 5.5 मिनट पूरा आपको टाइम मिलेगा वहाँ पर दौड़ने के लिए। अच्छा अच्छा। और उसके बाद सर दौड़ जो फिनिश हो जाता है ना, तो उसके बाद सर हम लोग थोड़ा लॉन्ग जंपिंग करते हैं हल्का सा। अच्छा अच्छा। उसके बाद थोड़ा जंपिंग चलते हैं, थोड़ा सा चढ़ना रहता है जिस पर। हाँ हाँ हाँ। उसके बाद सर 10 वो बीम है। अच्छा, 10 बीम पास करना रहता है। बीम पास करना रहता है, जिसमें 6 को पास करना रहता है। 6 पर मतलब 6 आप ला दीजिएगा तो पास हो जाएगा, मतलब एटलीस्ट आपको 6 करना पड़ेगा सर। अच्छा अच्छा। उसके बाद आप बताइए कि मेडिकल में थोड़ा सा, मतलब ये जरूरी नहीं कि आप सारा चीज बताइए, बट जो भी थोड़ा एक तरह से कहते हैं ना भोजपुरी भाषा में, हिंदी में मोटा मोटी, वैसा बताइए। मेडिकल में बात की जाए सर ना, तो इसमें पूरा मतलब कि मैंने प्राइवेट पार्ट भी देखा। हाँ, मतलब होल बॉडी का, यही ना? होल बॉडी का। हाँ, पूरा कपड़ा उतार के। हाँ हाँ हाँ, देखता है पूरा प्राइवेट पार्ट, जो भी आपका होल बॉडी चेक किया जाता है, यही ना? उसके बाद जब मेडिकल, मान लीजिए आप फिट हो गए, तो मेडिकल फिट होने के बाद आपको कोई सर्टिफिकेट वगैरह जैसे कोई प्रमाण देता दिया जाता होगा ना? नहीं, मेडिकल फिट का वहाँ पे बोल देगा कि तुम फिट हो गए हो। अच्छा अच्छा। और जाके अपने यारों से एडमिट कार्ड ले सकते हैं। एडमिट कार्ड, और जब एडमिट कार्ड मिलता है तो एडमिट कार्ड के थ्रू ही पता चलता है कि कब रिटेन है, यही ना? तो चलिए, आप सबको जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और भगवान करे कि आप सभी लोग अपने रिटेन एग्जाम में सफल हो। चलिए, जय हिंद, जय भारत।